हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने धनी से लोन लिया है या किसी भी कंपनी से लोन लिए हैं, वो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो या फर्जी लोन एप्लीकेशन हो, अगर आप टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कस्टमर एजेंट कॉल करता है और आपको बोलता है आप रिपेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे। किसी किसी को तो नोटिस भी आता है, नोटिस से रहता है आप रिपेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज का इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आप टाइम पे रिपेमेंट नहीं करने से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं वो लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले थोड़ा जान लेते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड होता क्या है। जो आधार कार्ड होता है वो होता है गवर्नमेंट का दिया हुआ हम लोग का आइडेंटिटी प्रूफ, और जो पैन कार्ड होता है वो भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है। साथ ही में यहाँ पे आपका क्रेडिट रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट स्टोर रहता है। अगर आप कहीं पे लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका जितना भी रिपोर्ट हिस्ट्री है सब वहाँ चेक कर सकता है। और जो पैन कार्ड है वो आपका जो आयकर विभाग है वहाँ से लिंक रहता है। अब आते हैं अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर सकता है। देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड सिर्फ सरकारी ब्लॉक कर सकता है, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ही ब्लॉक कर सकता है। और उसका बहुत ज्यादा रीजन होना चाहिए, बहुत ज्यादा कारण होना चाहिए इसका ब्लॉक करने का, ठीक है। इसमें से कोई भी कंपनी, कोई भी लोन कंपनी आपको आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता है। कोई भी ये नियम नहीं है और कोई भी आरबीआई ने ये भी गाइडलाइंस में दिया हुआ नहीं है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर दे सकता है, ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन का कस्टमर केयर से कॉल कर आपको बोला आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, तो आपको आप बोलिएगा आपका पावर है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लिए हैं और आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको ब्लॉक कर देंगे, वो लोग तो केबल भी कर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग मिस यूज कर सकता है। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वो लोग के पास है, मतलब वो लोग मिस यूज कर सकता है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर कहीं से भी अकाउंट ओपन कर सकता है, बैंक अकाउंट, या कहीं से भी दूसरा किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकता है, तो मिस यूज कर सकता है। बहुत सारा कामों में मिस यूज कर सकता है। अगर ऐसा मिस यूज हो रहा है तो आप पास में जो पुलिस स्टेशन है आपका, वहां पे आप FIR कर सकते हैं। अगर आरबीआई रजिस्टर कंपनी की बात करें, वो लोग आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वो लोग ब्लॉक सिर्फ आपको धमकाने के लिए सब करता है कि आप धमकाने के लिए, डराने के लिए आपको करता है। अगर आप डर से अगर आप रिपेमेंट कर दें तो इससे कोई लिंक ही नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक करने का कोई भी लिंक नहीं। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है, आपका कार्रवाई होगा, कोर्ट है, उसे बहुत सारा चीजें है वो सब कर सकता है, लेकिन आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को क्लियर कट हो गया है, अगर आप किसी भी NBFC कंपनी से लोन लिए हैं, RBI रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिए हैं, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकता है। अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं तो एक डर हो सकता है जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड का मिस यूज कर सकता है, उससे थोड़ा सावधान रहे। जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है वहां से लोन ना ले। फर्जी लोन एप्लीकेशन वो होता है जिसका 7 दिन या 15 दिन या 10 दिन टाइम रहता है, वही फर्जी लोन एप्लीकेशन होता है। और उसका जो रिपेमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम टाइम में होता है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 7 दिन का टाइम है, अगर 10,000 लोन लिए, तो अगर 1 महीना बाद देखेंगे ना, अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे 1 महीना बाद, तो आपका हो जाएगा 50,000। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, इससे थोड़ा बच के रहना आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं भी आपका ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।